अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। एम योर मैथ्स टीचर, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 155। टुडे वी विल लर्न अबाउट टाइम। लुक एट द क्लॉक, इट टेल अस टाइम। इट हैज़ आवर हैंड, ठीक है, इट्स अ आवर हैंड, ठीक है। इट हैज़ आवर हैंड, अ मिनट हैंड, ओके, इट्स अ मिनट हैंड। एंड अ सेकेंड हैंड, इट्स अ सेकेंड हैंड, ओके। द स्मॉल थिक हैंड इज़ द आवर हैंड, इट शोज अस द आवर्स, ओके स्टूडेंट। इट्स मीन कि ये क्या है, ये आवर हैंड है, ठीक है, और ये हमें क्या शो करते हैं, ये क्या शो करता है हमें, ये जिसको हम छोटी सुई कहते हैं आम जबान में, ठीक है, ये हमें क्या दिखाते हैं, टाइम, ओके। नेक्स्ट, द लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड, इट शोज अस द मिनट। तो देखिए ये क्या है, ये लॉन्ग हैंड है ना, तो ये हमें क्या शो करते हैं, मिनट्स, ओके। द थिन हैंड इज़ द सेकेंड हैंड, इट मूव्स वेरी फास्ट, इट शोज अस द सेकेंड्स, ओके। देखिए ये, देखें ये जो है हमारे पास, ये रेड कलर की, ये क्या है, सेकेंड्स हैंड है, ओके। क्यों, क्योंकि ये हमें सेकेंड शो करती है ना, इसलिए ये बहुत फास्ट फास्ट मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर 60 स्मॉल लाइन्स ऑन द क्लॉक। देखिए हमारे पास कितनी लाइन्स हैं, स्मॉल लाइन्स कितनी है, 60 स्मॉल लाइन्स हैं, ठीक है। द टाइम इट टेक द सेकेंड हैंड टू मूव पास्ट वन स्मॉल लाइन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि 1 सेकेंड किसके इक्वल है, इस लाइन से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक का फासला, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। इन टू लाइन्स का डिस्टेंस 1 सेकेंड के इक्वल है, ठीक है, 1 सेकेंड है। और फिर ये टू लाइन्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 1 सेकेंड के इक्वल है। इसी तरह इस पूरी क्लॉक में जो भी हमारे पास टू लाइन्स हैं, उनके मिड में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 1 सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द टाइम इट टेक द सेकेंड हैंड टू मूव पास्ट ईच ऑफ दीज लाइन्स वंस इज इक्वल टू 1 मिनट। और जब हमारे पास स्टूडेंट्स ये सेकेंड हैंड पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है, पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, 1 से स्टार्ट होती है एंड फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 12 तक आती है, तो हमारे पास क्या बनता है, 1 मिनट, ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, 1 मिनट। इट्स मीन 1 मिनट इक्वल्स टू, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है, 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकेंड के, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, द टाइम इट टेक द सेकेंड हैंड टू मूव पास्ट ईच ऑफ दीज 60 लाइन्स वंस इज इक्वल टू 1 मिनट। हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है कि हम जब इस पूरे में एक राउंड कवर करती है हमारी सेकेंड हैंड, तो हमारे पास क्या होता है, 1 मिनट बनता है। देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट, सो 60 सेकेंड इन अ मिनट, इट्स मीन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर 12 नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 12 नंबर ऑन द क्लॉक, ईच नंबर शोज एन आवर, ओके। देखिए हमारे पास जब 1 पे आती है आवर हैंड, तो हम क्या कहते हैं, 1 बज के। जब 2 पे आती है तो क्या टाइम होता है, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock एंड इस तरह हमारे पास 12 o'clock तक होते हैं, ठीक है। द टाइम इट टेक्स द मिनट हैंड टू मूव पास द 60 लाइन वंस इज इक्वल टू 1 आवर, सो 1 कम्प्लीट राउंड ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 1 आवर, ओके। इट्स मीन कि देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, इस जब हमारे पास सेकेंड हैंड मूव करती है, ओके, जब हमारे पास ये सेकेंड हैंड मूव करती है, एक राउंड कम्प्लीट करती है, तो हमारे पास क्या बनता है, 1 मिनट, 1 मिनट बनते हैं ना। और जब मिनट्स हैंड जो है मूव करता है, एक फुल कंप्लीट राउंड लेता है 12 तक, 1 to 12, तब क्या बनता है हमारे पास, 1 आवर,
इट्स मीन वन मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. रीड द टाइम ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक एंड राइट इट इन द गिवन बॉक्स. अब हमने क्या करना है, हमें क्लॉक गिवन है, ठीक है, हमने उसमें टाइम बताना है. तो हमारे पास फर्स्ट, देखिए जो हमारे पास फर्स्ट क्लॉक गिवन है, इसमें अब आप देखिए हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब आ गया है सेकेंड हैंड, ठीक है. ये देखिए, ये हमारे पास इसमें सेकेंड हैंड भी है और मिनट्स हैंड भी है, ठीक है. ये फर्स्ट देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये आवर हैंड है ना, तो ये कहाँ पे है. अगर ये दूसरे नेक्स्ट डिजिट से पीछे हुआ, दरमियान हुआ, तो हम कौन सा नंबर लिखते हैं, प्रीवियस नंबर लिखते हैं, ठीक है. आप देखें ये कहाँ है, ये टू नंबर्स के मिड में है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम 10 राइट करेंगे, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 राइट कर लेंगे, ठीक है. ये देखें हमारे पास 10 राइट हुआ है ना, ये तो हमने यहाँ पे 10 राइट कर लेना है. नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये मिनट हैंड है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं कहाँ है, ये कहाँ पे है, 6 पे है. तो हम यहाँ से काउंट करते आते हैं, देखते हैं हमारे पास कितने मिनट बन रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना लाइंस, यहाँ से हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, लाइंस का स्टार्ट होने का. तो हम यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5, और 1 तक हमारे पास कितनी लाइंस बन रही हैं, 5. अब आगे भी 2 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हैं. इट्स मीन यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हमारे पास हो गई हैं लाइंस, 10. 5 आगे भी होंगी तो फिर कितनी हो जाएंगी यहाँ तक, 15. नेक्स्ट भी 5 होंगी तो अब क्या हो जाएंगी, 20. नेक्स्ट फिर 5 हैं, 25. देख लीजिए हमारे पास ये है सेकेंड हैंड, ठीक है. ये हमारे पास कौन सी है, सेकेंड हैंड, ठीक है. अब इसको काउंट कर लेते हैं, 5. देखें हमारे पास क्या है, एक नंबर से दूसरे नंबर तक की जो लाइंस होंगी वो 5 होंगी. इट्स मीन कि एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, 5. तो अब 3 to 4 ले लें तो हमारे पास 5 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, ठीक है. अगर हम सेकेंड्स वाली हैंड, सेकेंड हैंड को देखेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 5 सेकेंड्स. अगर हम मिनट्स वाले हैंड को देखेंगे तो क्या होंगे, मिनट्स. और अगर हम 3 to 4 एक नंबर को देखते हैं आवर हैंड में, तो ये क्या होगा, 1 आवर, ठीक है. तो ये क्या होगा, 1 आवर हो गया, ठीक हो गया. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टाइम है, ठीक हो गया. अब देखिए इसमें 12 से लेके देखें, ये जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से लेके 5-1 तक हमारे पास कितने सेकंड्स हुए हैं, 5. 2 पे आएंगे तो 10. 3 पे आएंगे तो 15. तो हम यहाँ क्या करेंगे, 15 राइट कर लेंगे, ठीक है, सेकंड्स में. नेक्स्ट क्लॉक पे आते हैं तो देखिए सेम इसमें भी वही होगा. अब इसमें देखिए हमारे पास जो आवर हैंड है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स, आवर हैंड हमारे पास है 8 and 9 के मिड में. तो हम कौन सा नंबर राइट करेंगे, 8, ठीक है, क्योंकि 9 अभी बजे नहीं हैं, बजने वाले हैं, 9 अभी 9 o'clock हुआ नहीं है, ठीक है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 8 लिख लेंगे, ठीक हो गया. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 8. नेक्स्ट हमारे पास देखिए मिनट्स एंड कहाँ पे आ रहा है, 4 पे. तो अगर हम 1 से अब हम 5 का टेबल रीड आउट करते हैं, क्योंकि क्लॉक में हमारे पास 5 का टेबल होता है, ठीक है. अगर हम 5 का टेबल रीड आउट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या है, 5 4 20 होता है ना, तो हम क्या करेंगे, मिनट्स में 20 राइट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 4 पे है हमारे पास. जो देखिए मिनट्स एंड है वो एग्जैक्टली 4 पे है, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली 4 पे है, तो इट्स मीन 20 हो गए मिनट्स. तो अब हम देखते हैं सेकंड्स में हमारे पास देखिए क्या है,
अब हम इसमें काउंट कर लेते हैं सेकंड्स में, ठीक है। सेकंड्स को अब हम देख लेते हैं, अब सेकंड हमारे पास कहाँ है। देखिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड हैंड कहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ये यहाँ पे आ रहा है ना। ये पूरा 12 पे नहीं है, जो 12 से एक कम है, तो हम 5 का टेबल 11 तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे जो हमारे पास लाइन्स होंगी उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो 5 10 50, 5 11 50, 55, 55, 56, 57, 58 एंड 59। इट्स मीन हमारे पास कितने सेकेंड्स हुए हैं, 59। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 59 सेकेंड्स राइट कर लेंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्लॉक। नेक्स्ट क्लॉक में देखिए आवर हैंड कहाँ पे है, 4 पे है, तो हम क्या करेंगे, 4 राइट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इधर हमारे पास क्या बन रहा है मिनट्स हैंड में, देखिए 50, 51, 52, तो हमारे पास कितने मिनट्स हुए, 52। और सेकेंड्स देख लेते हैं, 5 8 40, 41, 42 एंड 43, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 157। कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसमें हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, कन्वर्ट करना है आवर्स को मिनट्स में, ठीक है, और मिनट्स को सेकेंड्स में। इट्स मीन हमने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 2 आवर्स एंड 3 मिनट्स। मिनट्स तो हमारे पास पहले से कन्वर्टेड है ना, ठीक है, वो तो पहले ही ऑलरेडी मिनट्स में है। तो हमने क्या करना है, सिंपल 2 आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, एज़ वी नो दैट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो अगर 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट है तो हम क्या करेंगे, इट्स मीन 2 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 120। अब हमारे पास कितने मिनट्स हो गए, ये 2 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए हैं, 120 मिनट्स। तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसमें 3 मिनट्स और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने मिनट्स हो गए, 123। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, 123। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 5 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स, तो हमने क्या करना है, 5 मिनट्स को और 50 सेकंड्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारे पास जो 50 सेकंड्स है, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना सेकंड्स में, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 5 मिनट्स को करेंगे। सेम इसी तरह होगा, ये भी देखिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं स्टूडेंट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, तो हमारे पास क्या आया, 300। तो 300 सेकंड प्लस ये वाले 50 सेकंड, 50 सेकंड इक्वल्स टू 350 सेकंड्स। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 350 सेकंड्स को राइट कर लेंगे, ठीक है। नाउ कम टू एक्सरसाइज, पेज नंबर 158, एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड टाइम इन आवर्स मिनट एंड सेकंड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी सिंपल जो आपके पास क्लॉक है उधर से आपने टाइम देखना है और आपने टाइम राइट करना है, ठीक है। आप देखिए हमारे पास फर्स्ट जो आवर हैंड है वो कहाँ पे है, ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमने पहले आवर्स बताने हैं, नेक्स्ट मिनट बताने हैं और फिर लास्ट में सेकंड्स राइट करने हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये है ना आवर हैंड, ये है, तो ये कहाँ पे है, 6 पे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए मिनट्स हमारे पास कहाँ पे है, मिनट हैंड कहाँ पे है, 45 पे, क्योंकि 5 9 ज़ा 45 होता है ना और ये 9 पे है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे 45 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट 5 पे है, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। नाउ कम टू पार्ट बी, इसमें देखिए हमारे पास आवर हैंड कहाँ पे है, 4 पे है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास मिनट्स हैंड कहाँ पे है, 2 पे, तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 होता है ना स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इधर 10 राइट कर लेंगे। और नेक्स्ट देखिए सेकेंड हैंड कहाँ पे है, 1 पे है ना, तो इट्स मीन 5 1 ज़ा 5, तो हम यहाँ पे 5 राइट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी,
इसमें देखिए जो हमारे पास आवर हैंड है वो कहाँ पे है, 9 पे, और जो हमारे पास मिनट हैंड है वो कहाँ पे है, 2 पे। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 10 मिनट्स हो जाएंगे ना, क्योंकि 5 × 2 = 10 होता है। तो यहाँ हमारे पास कितने मिनट्स हो गए, 10 मिनट्स। और नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड हैंड देखिए कहाँ पे है, 4 पे, तो 4 × 5 = 20। तो हमारे पास कितने सेकेंड्स हो गए, 20 सेकेंड्स। नाउ कम टू पार्ट डी। पार्ट डी में देखिए सिंपल हमारे पास वही टाइम गिवन है, ये देखेंगे क्या है, इट्स अ आवर हैंड, और ये कहाँ पे है, 8 पे। तो 8 × 5 = 5 हम आवर देख रहे हैं, आवर जिस भी नंबर पे होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, आवर एज इट इज़ आएगा। लेकिन मिनट्स और सेकंड्स में 5 का टेबल हम रीड करेंगे, ठीक है। 8 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, ओके। और ये देखिए मिनट हैंड कहाँ पे है, 1 पे, तो 5 × 1 = 5, हम यहाँ पे 5 राइट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, सेकंड, अब सेकंड हैंड कहाँ पे है, 11 से करीब करीब है, ठीक है, 11 पे नहीं है, 11 के करीब करीब है, ठीक है। तो देखिए 11 तो ये है ना, ये 11 है, ये जो डार्क लाइन है ना, यहाँ पे 11 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 5 × 10 = 50, 50 से आगे काउंट कर देते हैं, 51, 52, 53 एंड 54, देखिए कहाँ पे है, 54 पे है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 54 राइट कर देंगे, इट्स मीन 8 hours, 5 minutes and 54 seconds। पार्ट ई देखिए हमारे पास क्या है, पार्ट ई में भी हमारे पास देखिए यहाँ पे आवर गिवन है, और ये कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे है, 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 6, क्योंकि देखें ये जो आवर हैंड है ये 7 से पीछे है, पीछे है ना, अभी 7 बजे नहीं है, अभी क्या है, 6 चल रहा है, ठीक है, आवर कौन सा चल रहा है, 6 आवर है। एंड इधर मिनट्स देखिए कितने हैं हमारे पास, 45 and 46 हमारे पास मिनट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड्स कितने हैं, 5 × 40, 40 + 41, 42 and 43, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने 7 लिख दिया है, आपने यहाँ 6 राइट करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एफ इज़ योर होमवर्क, कम टू पार्ट जी। इसमें भी सिंपल आपने टाइम ही बताना है, ठीक है। देखिए इसमें आवर हैंड है, इसमें हमारे पास क्या है, 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2 and 1, 1 and 2 के मिड में है हमारे पास जो मिनट्स हैंड है, तो हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि अब ये कितने मिनट्स हैं। देखिए यहाँ तक हो गए हमारे पास 5 minutes, 6 and 7, इट्स मीन हमारे पास क्या है, 7 मिनट्स हो गए। और हमारे पास जो सेकेंड हैंड है वो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आके कहीं लाई कर रहे, ठीक है। सो 5 × 7 = 35, 36 and 37, तो हमारे पास क्या आ गया, 37। पार्ट एच एंड आई सेम इसी मेथड से होंगे, दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है, आपने खुद करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 159, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। आपने सिंपल क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स, आप आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें या मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करें, आपने उनको 60 से मल्टीप्लाई ही करना होगा। क्यों, क्योंकि 1 hour = 60 minutes and 1 minute = 60 seconds, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो हमने 3 को एज इट इज़ लिख लिया, और आवर जो हमारे पास आवर्स है ना, आवर्स की जगह हमने मल्टीप्लाई 60 लिख लिया। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास 1 hour = 60 minutes, ठीक है, इसलिए हमने इसको 60 राइट कर लिया साथ, ठीक है। अब देखिए 3 × 0 = 0, 3 × 6 = 18, तो हमारे पास कितने मिनट्स हो गए 3 hours में 180 minutes, ओके। नेक्स्ट पार्ट बी सेम इसी मेथड से आपने खुद करना है। पार्ट सी देखिए, इसमें भी हमने इसको मिनट्स में करना है, जैसे प्रीवियसली हमने किया है कि 115 तो ऑलरेडी मिनट में कन्वर्टेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 1 hour को करेंगे, तो 1 hour को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
जब हमको वन को सिक्स के साथ सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कौन किस में हो जाएगी, मिनट्स में हो जाएगी ना, प्लस 15 मिनट्स। अब 10 ज़ा 0, 16 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आंसर आया 60। इट्स मीन 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, प्लस 15 मिनट्स। ये देखिए अब हमारे पास दोनों का यूनिट सेम है ना, 60 भी मिनट्स में है और 15 भी मिनट्स में, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 + 0 = 5, 6 + 1 = 7, तो हमारे पास कितने मिनट्स हो गए 7 मिनट्स। डी पार्ट सेम इसी मेथड से हो गई, मैं आपको खुद करवा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ई आपका, ई और एफ आपका होमवर्क है। देखिए अब यहाँ पे भी 2 hours and 5 minutes है, इसको भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे और आवर्स की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा, प्लस 5 मिनट्स, ठीक हो गया। अब देखें 2 0 = 0, 2 6 = 12, तो हमारे पास कितने मिनट्स बन गए 120 मिनट्स बन गए, ठीक है, प्लस 5 मिनट्स। अब देखें इन दोनों का यूनिट सेम है ना, दोनों मिनट्स में है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 120 + 5 = 125 मिनट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए पार्ट ई भी सेम इसी मेथड से और पार्ट एफ भी इसी मेथड से, कि आपने खुद करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने क्या करना है कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। पहले हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, आवर से मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल हम 60 के साथ अब भी मल्टीप्लाई करेंगे और पहले भी हम 60 के साथ मल्टीप्लाई ही कर रहे थे। तो हमारे पास देखिए पार्ट है हमारे पास 8 मिनट्स, 8 मिनट्स को हमने 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 8 राइट करेंगे मल्टीप्लाई और 60। अब मिनट्स की जगह भी हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लाई 60, क्यों, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, ठीक है। अब 8 0 = 0, 8 6 = 48, तो हमारे पास टोटल कितने सेकंड बन गए 480 सेकंड्स, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 24 मिनट्स हैं, तो 24 को भी हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना है पहले, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1440 सेकंड्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट सी देख लीजिए, पार्ट सी में भी हमारे पास सेम इसी तरह है, लेकिन जैसे प्रीवियस हमारे पास पार्ट सी में डी ई एफ में हमारे साथ पास साथ गिवन थे ना मिनट्स गिवन थे, सेम इसी में हमारे पास जो है वो सेकंड्स गिवन है, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है 5 मिनट्स एंड 20 सेकंड, 20 सेकंड एज इट इज़ हमारे पास आते रहेंगे, ठीक है। अब हमने इनको सेकंड में करना है, 5 × 60 सेकंड + 20 सेकंड, तो 5 0 = 0 and 5 6 = 30, तो इट्स मीन 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं 300 सेकंड्स होते हैं, प्लस 20 सेकंड्स एज इट इज़। अब देखिए इसके साथ भी सेकंड है और इधर भी सेकंड है, तो हम क्या करेंगे दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, 300 + 20 = 320 सेकंड्स, ओके। नेक्स्ट पार्ट डी देख लेते हैं, 6 मिनट्स हैं और 16 सेकंड है, तो इसमें हम क्या करेंगे 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 16 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने तो सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो हमारे पास आंसर सेकंड्स में आएगा, ठीक है। सो 6 0 = 0, 6 6 = 36, 36 सेकंड + 16 सेकंड, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 376 सेकंड। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट ई एंड एफ इज़ आल्सो योर होमवर्क, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।